सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बात करते हैं फखर जमान की इनिंग्स की। पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान का शानदार फॉर्म जारी है और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में बैक टू बैक लगातार दूसरे मैच में सेंचुरी जमा दी है। ये जमान के करियर का ओवरऑल 10वां सैकड़ा है। 10 बार वो सेंचुरी का फिगर पार कर चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में और पाकिस्तान के केवल दूसरे ओपनर बने हैं हिस्ट्री में पाकिस्तान क्रिकेट की जिसने ओडीआई क्रिकेट में 10 या इससे ज़्यादा सेंचुरीज जमाई है। डबल फिगर में इनकी सेंचुरीज के नंबर आ गए हैं। इनसे पहले किसने किया था तो ग्रेट सईद अनवर ने किया था। सईद अनवर के नाम 20 सेंचुरी। अमान ने अभी 70 मैच भी नहीं खेले हैं, 67th मैच था उनका आई थिंक, और इसमें 10 सेंचुरी आ गई है। तो मुझे तो यकीन है, पक्का यकीन है कि जमान आने वाले दिनों में सईद अनवर के नंबर से आगे जाएंगे। आधे घंटे बाद मैंने वैसे ही दोबारा ट्विटर देखा और पता चला जी फखर जमान ने वहां पे आग लगा दी हुई है। जब मैंने आपको वो भी कहा, अब फखर जमान ऐसी इनिंग खेल गए और पाकिस्तान की वो जावेद मियादाद के छक्के से बाहर निकलाते, वो जावेद मियादाद का छक्का तो वो भूल जाते हैं 1986 वाला, और ये इनिंग फखर जमान की उनके लिए फॉर एवर रहती है। फखर जमान ने हिटे मारते रहे, बाद में वो थक भी गए थे। एक चीज अगर पाकिस्तानी बुरा ना माने, अगर यहां पे बैठ के न्यूट्रल तरीके से, हम फखर जमान ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की है। फखर जमान वहां पर ले गए जहां पर वो, मतलब अगर वो कर देते तो इम्पॉसिबल को अचीव करते, लेकिन पाकिस्तान को खेलने का एक नया तरीका है। और बाबर आजम ने बेहतरीन बैटिंग की, फखर जमान की बात ही क्या है, सेंचुरी जमा दी और उन्होंने साबित किया है कि इस समय ओडीआई क्रिकेट में वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर हैं। जब जिस दिन उनके शॉट्स लगने लगते हैं उस दिन उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मेरा मानना है कि फखर जमान को मैच खत्म होने तक रुकना चाहिए था। दोस्तों अगर आप बाबर आजम के फैन हैं, फखर जमान के फैन हैं, तो इस वीडियो के लाइक्स के नंबर 2000 तक आपको जरूर पहुंचाने हैं। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। बाबर आजम के हेटर्स रेस्ट इन पीस, रिजवान के हेटर्स रेस्ट इन पीस, फखर जमान के हेटर्स रेस्ट इन पीस। और बताओ भाई, पाकिस्तान के बैटर्स ने भी अच्छी बैटिंग की, बेहतरीन शुरुआत मिली पाकिस्तान को और बाबर आजम ने तो बाद में आकर के नंबर 3 पर बेहतरीन बैटिंग की ही, लेकिन उससे पहले जो है फखर जमान और इमामुल हक ने शानदार पार्टनरशिप करी। देखिए ये एक ऐसा मैच था जिसमें पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने डोमिनेट किया। ओवरऑल बैट्समैन दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर बैटर ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी तो टॉप ऑर्डर की बैटिंग देखने लायक थी। जबरदस्त ओपनिंग मिली पाकिस्तान को, फखर जमान और इमामुल हक दोनों ने बेहतरीन बैटिंग। जमान की खास बात क्या है, जमान देखिए जो स्ट्रोक प्ले उनका होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, उनका जो बेस होता है, जो खड़े होते हैं और जिस तरह से स्टांस लेते हैं और जब बॉल डिलीवरी जब उनके पास बॉल आती है जिसमें शॉट खेलते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है उनका, बहुत ही मजबूती के साथ क्रीज पे खड़े दिखाई देते हैं और हर तरह के बॉल को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसी का नतीजा है कि उनके जो है रन ज़्यादा बन रहे हैं और अब तो वो कंसिस्टेंट भी होते जा रहे हैं। अगला जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में ही, इसमें मुझे लगता है जमान एक बहुत बड़ा टैलेंट दिखाई देने वाले हैं। मतलब एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन पर सबकी नज़रें होंगी, ये वर्ल्ड कप में भी आग लगा सकते हैं। क्या स्मूथ बैटिंग की है, क्या सदाबहार बैटिंग की है, क्या खूबसूरत शॉट्स जमाए हैं। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भाई, बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल किया जो है आज जो चेज हुआ है, फैंटास्टिक रन चेज बाय पाकिस्तान लेड बाय 100 फ्रॉम फखर जमान।